नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रिंकू सिंह का टीम इंडिया में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल इस वक्त लाखों क्रिकेट फैंस के जहन में गूंज रहा है। आईपीएल से अपने बल्ले की धमक दिखाने वाले रिंकू सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज भारत खेलेगा उसमें इस खिलाड़ी को मौका तो जरूर मिलेगा। लेकिन अब जब नए सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो उसमें रिंकू सिंह का नाम गायब था। इसके बाद होना क्या था, सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट फैंस उबल पड़े और टीम सेलेक्शन पर सवाल खड़े किए जाने लगे। इस बीच रिंकू सिंह ने भी टीम का ऐलान हो जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर सेलेक्टर्स को अपने बल्ले से करारा जवाब भी दे दिया। रिंकू सिंह दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की तरफ से खेल रहे हैं और पहली पारी में उन्होंने 48 रन बनाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिंकू सिंह ने सिर्फ 48 रन ही तो बनाए, तो फिर आखिर उन्होंने इतने कम रन बना के सेलेक्टर्स को जवाब कैसे दे दिया। असल में अल्लूर में जो मैच चल रहा है दिलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल, इसमें सेंट्रल जोन की टीम पहली पारी में सिर्फ 128 रनों पर ढेर हो गई थी, जिसमें से 48 रन अकेले रिंकू सिंह ने ही बनाए। रिंकू सिंह ने मुश्किल वक्त में अपनी टीम को संभाला और उन्होंने कहा उसकी लाज भी बचाई। रिंकू सिंह के विकेट के साथ ही सेंट्रल जोन की पारी भी खत्म हो गई, मतलब रिंकू सिंह आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। अल्लूर की पिच गेंदबाजों को काफी मदद दे रही थी, लेकिन रिंकू सिंह ने अपनी जबरदस्त तकनीक के जरिए 69 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। बड़ी बात यह है कि इस मैच में वेस्ट जोन के लिए सूर्य कुमार यादव, चेतेश्वर पुजारा और सरफराज खान जैसे बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे और ये तीनों खिलाड़ी मिलकर भी रिंकू सिंह जितने रन नहीं बना पाए। सूर्य कुमार यादव ने पहली पारी में महज 7 रन बनाए, सरफराज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पुजारा ने 28 रनों की पारी खेली। साफ है कि जिस पिच पर तीन बड़े बल्लेबाज नाकाम रहे हों वहां रिंकू सिंह ने अपना दमखम दिखाया है। उम्मीद है कि सेलेक्टर्स रिंकू सिंह पर ध्यान दे रहे होंगे और अभी तो उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रिंकू सिंह के वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में सिलेक्शन ना होने पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।